अगर ऐसी कोई चीज है कि जो रुकावट बन करके रोजे के रास्ते में खड़ी है, तो जब तक वो रुकावट मौजूद रहेगी रोजा नहीं रहेगा। वो रुकावट गायब, रोजा हाजिर। तो रोजा कब फर्ज होगा? जब रुकावट नहीं रहेगी। क्या है रुकावटें? ये तो कुल दो रुकावटें हैं। नंबर एक हैज, नंबर दो निफास। तो हैज और निफास ये दो रुकावटें हैं। जब तक ये रुकावट रहेगी रोज़ा नहीं रहेगा। जब तक ये रुकावट मौजूद है रोज़ा गैर मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान युसीबुना ज़ालिक, हमें ये सब चीज़ें आती थीं। फनुअमरु बिक़ज़ाइ सौम वला नुअमरु बिक़ज़ाइ सलाह। तो ये जितने दिन हम उसकी वजह से रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, तो रोज़े के कज़ा का हुक्म शरीयत की तरफ से हमें दी जाती थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कज़ा का हुक्म देते और सलात यानी नमाज के कज़ा का हुक्म नहीं देते। तो गोया कि बाद में उतने दिन वो कज़ा करेगी जितने दिन हैज और निफास की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकी। فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة। एक और रिवायत के अंदर है कि औरत, क्या ऐसा नहीं है कि जब वो हालत हैद और निफास में होती तो रोज़ा नहीं रखती, नमाज नहीं पढ़ती? लम तसुम वलम तुसल्ली, क्या ऐसा नहीं है कि वो इस हालत में रोज़े और नमाज नहीं करती? फ़ज़ालिका मिन नुकसानी दीनिहा, फ़ज़ालिका मिन नुकसानी दीनिहा। यह है उसके दीन के अंदर का की कमी, कि उतने दिन वो नमाज भी नहीं पढ़ेगी, उतने दिन वो रोज़े भी नहीं रखेगी। तो इन दोनों रिवायत से पता चलता है कि अगर ये दोनों चीज़ें या दोनों में से कोई एक अगर मौजूद है तो उसके होते हुए सियाम और सलात नहीं है, न तो रोज़ा होगा और न ही नमाज ही होगी। फ़र्ज़ करें कि एक औरत ने सहरी खाया और माशाल्लाह पूरे दिन वो रोज़े से रही। इफ्तारी का वक्त कितने बजे है आज शेख? यानी सात, मान ले कि सात बजे, समझ लीजिए कि सात बजे इफ्तारी है। अब सात बजे है, छः बज करके 50 मिनट पे, 55 मिनट पे अभी इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ और हैज का खून आ गया। 5-10 मिनट पहले हैज का खून आ गया, 5 ही मिनट है उसको मुकम्मल कर लें, अभी क्या है, रोज़ा टूट गया। वो चाहे ना चाहे रोज़ा टूट गया उसका। वो 5-10 मिनट पहले अगर हैज या निफास का कोई भी मामला हुआ तो होने के साथ साथ रोज़ा उसका टूट गया, वो बाद में उस दिन की कज़ा करेगी। ऐसे ही अगर कोई औरत रात भर हैज की हालत में थी और फजरे सादिक होने से कुछ पहले, 4-10 मिनट पहले इनकताए दम का मामला ख़त्म हो गया, यानी खून के आने का सिलसिला बंद हो गया, पाक को साफ हो गई, 5-10 मिनट पहले सुबह सादिक होने से पहले, यानी अभी फजरे कादिब चल रहा है, सहरी का वक्त चल रहा है, 5-10 मिनट पहले अगर वो क्या हो गई, पाक साफ हो गई, मतलब खून के आने का सिलसिला बंद हो चुका है, क्या करेगी वो? अब तो सहरी भी नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से मुमकिन है एक आध घूंट पानी ले लो, बहुत ख़त्म हो गया। वो रोज़ा रखेगी, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है उसके ऊपर, रोज़ा रखना फ़र्ज है, गरचे वो सहरी ना खा सके लेकिन रोज़ा उसको रखना होगा, क्योंकि अव्वले वक्त से वो पाक है, शुरू ही से वो पाक है, वहाँ कोई भी रुकावट मौजूद नहीं है।
रुकावट नाम की चीज़ है ही नहीं। वो खाना नहीं खाए तो बात अलग है, पानी नहीं पिए तो बात अलग है, लेकिन रुकावट नहीं है। अगरचे उसने गुस्ल ना किया हो तब तक, क्योंकि नमाज बगैर गुस्ल के नहीं कर सकती, लेकिन रोज़ा बगैर गुस्ल के शुरू हो सकता है, रोज़ा बगैर गुस्ल के शुरू हो सकता है। नमाज के लिए गुस्ल ज़रूरी है। इनकताए दम ये पाकी है, लेकिन मुकम्मल पाकी कि जिसके साथ नमाज अदा की जा सकती है वो गुस्ल के बाद ही है। इनकताए दम को पाकी कुरान ने कहा है, लेकिन मुकम्मल पाकी जिसके साथ में हम नमाज भी पढ़ सकें वो गुस्ल के बाद ही है। तो ये दोनों ही हालतें, चाहे वो रोज़ा रखने की हालत में आखिरी वक्त के अंदर खून के आने का मामला हो तो रोज़ा बातिल हो जाता है, और अगर खून के आने का सिलसिला जारी हो और सुबह सादिक से कुछ ही मिनट पहले वो पाक हो रही हो तो उसे रोज़ा रखना ज़रूरी होता है, नहीं रखती है तो गुनहगार होगी। रोज़ा रखना उसे ज़रूरी होगा। गरचे गुस्ल करने का मामला फजर का वक्त हो जाने के बाद ही क्यों ना पेश है, ऐसा करना जायज़ है कि वो नहाने धोने का मामला फजर का वक्त हो गया, अजान हो गई, कोई मसला नहीं, वो बाद में गुस्ल कर ले, उससे उसके रोज़े पर कुछ भी फ़र्क नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत का गुस्ल कब किया? बाज़ हालात में आपने सुबह सादिक हो जाने के बाद किया है। तो कोई भी शख्स जिसे गुस्ल की ज़रूरत हो, मर्द हो या औरत हो, और उसने अजान होने से पहले गुस्ल नहीं किया, अजान होने के बाद गुस्ल कर रहा है, रोज़े पर कुछ भी असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में गुस्ल किया, कोई फ़र्क नहीं। उम्मतियों के लिए भी कोई फ़र्क नहीं है। जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही हुक्म सारे लोगों के लिए है।